नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ZTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर बताया कि ज़्यादा बड़ी जो जंप है वो देखने को नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट का जो संकेत था, जो शॉर्ट का संकेत नजर आ रहा था, वो काफ़ी वीक यहाँ पे देखने को नजर आए। और आज दोस्तों ना बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, पिछले वाली प्राइस पर सेम क्लोजिंग देखने को मिली। उसके सबसे बड़ी जो वजह है क्या होने वाली है, क्वार्टर टू के जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलने वाले, इसका जो टारगेट है वो क्या होने वाला है, और कल के मार्केट को लेकर अभी के टाइम चार्ट का जो संकेत है वो किस प्रकार का देखने को नजर आ रहा है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ पर आज की ओपनिंग की अगर बात की जाए तो 1 रुपये 10 पैसे के साथ ओपनिंग देखने को मिली। इसी प्राइस तक दोस्तों आज जो बड़ी जंप थी वो भी यहाँ पर देखने को नजर आई। लगातार गिरावट की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आया, पर दोस्तों तेजी की तरफ मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पर जो है टस से मस होता हुआ नजर नहीं आया। पर उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, कंपनी का जो फंडामेंटल जो देखने को नजर आ रहा है उसमें यह देखने को नजर आया कि पिछले 5 जो मार्केट देखने को नजर आई उसमें भी डेटा अब तक जो है दोस्तों नीले फिर रहने वाला है। मार्केट में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों आज बड़ी बाइंग ऑर्डर भी देखने को मिली। अच्छी खासी बाइंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो दोस्तों 4,14,94,837 शेयर दोस्तों आज के जो है मार्केट पर यहाँ पे जो है बाइंग ऑर्डर यहाँ पे देखने को नजर आई है। फिलहाल इस प्रकार की इतनी बड़ी अगर बाइंग ऑर्डर देखने को मिली उसके बावजूद भी दोस्तों मार्केट में जो सेलिंग ऑर्डर है 3,78,11,971 शेयर दोस्तों आज के मार्केट पर सेलिंग ऑर्डर नजर आए हैं। तो फिलहाल इतनी बड़ी जो है मार्केट में हलचल होने के बावजूद अगर यहाँ पे जो देखने को नजर आए कि मार्केट में जो डिलीवरी आज की देखने को नजर आई वो 76% की देखने को मिली, पर मार्केट में तेजी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लास्ट एक महीने की अगर बात की जाए तो उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे यहाँ पे बन सकते हैं, जो यहाँ पे 46.5% के यहाँ पे अभाव देखने को नजर आए। बात की जाए दोस्तों कंपनी के टारगेट्स की, तो कंपनी का जो टारगेट है क्वार्टर टू का जो डेटा है दोस्तों ऑलरेडी कंपनी कलेक्ट करने में लग चुकी है। तो ये देखने को नजर आया कि कंपनी दोस्तों इस सप्ताह के एंड तक दोस्तों कंपनी जो है फाइनल डेट यहाँ पे रिवील कर सकती है क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को लेकर। इस सप्ताह में दोस्तों कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो शायद हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनियाँ जो है क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कंपनी में जो देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी में इस बार दोस्तों थोड़ा जो है लॉस का सामना यहाँ पर कम करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो कंपनी में यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल साथ साथ ये भी देखने को नजर आ रहा है कि कंपनी को अगर यहाँ पे क्वार्टर टू के पहले पहले दोस्तों कंपनी को अच्छा खासा कोई बाइंग ऑर्डर यहाँ पे मिलता है, प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे दूध मिलता है तो उसमें कंपनी अच्छा खासा जो है तेजी यहाँ पे बना सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम जो फंडामेंटल नजर आ रहा है वो भी ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पे रह सकता है इस क्वार्टर टू के रिजल्ट्स पर, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज है दोस्तों 4,508 करोड़ का जो है कंपनी के ऊपर कर्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 1,400 करोड़ का जो है अभी के टाइम कंपनी का मार्केट कैप नजर आ रहा है। तो ये देखना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। मार्केट कैप और कर्ज के ऊपर कंपनी जो है क्वार्टर टू का जो डेटा है वो यहाँ पे ज़्यादा निर्भर करने वाला है। ये अब जो है नई आउटलुक्स देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट वीक में शायद जो है वो यहाँ पे देखने को, सप्ताह में जो है लास्ट सप्ताह तक यहाँ पे रिजल्ट देखने को नजर आ सकता है। तो 25 से 26 अक्टूबर के आसपास डेटा आप लोग को सामने आ सकता है, पर कंपनी का दोस्तों इसमें जो है प्रॉफिट अगर होगा तो दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे होगा, पर दोस्तों जो लॉस होगा तो वो भी काफ़ी कम यहाँ पे देखने को नजर आ सकता है। तो ये अब तक की जो आउटलुक है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल मार्केट में दोस्तों बड़ी जो जंप आने का जो फिलहाल जो है चार्ट संकेत जो है वो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। बाइंग जो सिग्नल है वो जो है मार्केट में अच्छी खासी देखने को मिली है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो फंडामेंटल काफ़ी पॉजिटिव रहा है। फिलहाल दोस्तों बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों अगर कंपनी में अगर आज के वॉल्यूम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2,04,47,899 शेयर दोस्तों आज के मार्केट पर दोस्तों टोटल का वॉल्यूम देखने को मिली है, और 10,07,100 शेयर दोस्तों आज के इंट्राडे के ऊपर दोस्तों बाइंग ऑर्डर फिर से देखने को नजर आई है। फिलहाल डिलीवरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों अच्छी डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिली है, 76.16% की जो बड़ी डिलीवरी है आज के मार्केट में यहाँ पर देखने को नजर आई है। 1,82,07,450 शेयर दोस्तों आज के मार्केट पर दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पर नजर आई है, और जिस प्रकार मैंने आप लोग को बताया था कि इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ा क्रेश देखने को मिला, पर दोस्तों इस चीज़ से ज़्यादा जो है क्वार्टर टू का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे एम रहने वाला है, क्योंकि कंपनी में अगर यहाँ पे देख के जाए तो वो यहाँ पे जो नजर आ रहा है फंडामेंटल सिक्योरिटी व्यय जो है दोस्तों अभी टाइम 32.50 के आसपास नजर आने वाला है, पर कंपनी में उद्योग मार्जिन जो है वो यहाँ पे 14% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। फिलहाल कंपनी का जो डेटा है वो आगे चलकर आप लोग को अच्छी खासी तेजी की तरफ ले जा सकता है, पर अभी टाइम क्वार्टर
क्वार्टर टू का जो डेटा है वो किस लेवल का कलेक्ट होता है, किस लेवल का जो हम लोग को जो है नज़र आता है, और कंपनी का जो टारगेट है वो दोस्तों शॉर्ट टर्म में आप लोग को अच्छे खासे बन सकते हैं। पर अभी टाइम जिस प्रकार क्वार्टर टू का अगर डेटा नेगेटिव आता है तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे बन सकते हैं। फिलहाल कंपनी में अभी टाइम जो देखने को नज़र आ रहा है, जो देखने को सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी नज़र आ रही है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो 100% जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे गिरवी रखी हुई है, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई भी इससे जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, आंसर के लिए आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।